no friends, not enough for me. I need that special girl who can turn my world upside down and spin me round. Well, that was an enduring performance, guys. यार जया, ये शर्मिला कितना अच्छा डांस करती है यार. काश मैं भी कर पाती. कोई बात नहीं, हम लोग भी कोशिश करेंगे. वैसे भी कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, राइट? ओके. नाउ वी विल वेलकम फर्स्ट ईयर बॉयज सप्ली रिसीवर्स टू परफॉर्म देयर ग्रुप डांस. ललंदा प्लीज, ललंदा आप कहाँ हैं? पंखा चालू कीजिए. शिकार चलती है क्या? 9 से 11? अबे 9 से 12. आजकल हिंदी फिल्में 2 घंटे की हो गई. हटे कट्टे उल्लू के पट्टे, एक ही थाली के चट्टे पट्टे. उल्लू के पट्टे, एक ही थाली के चट्टे बट्टे. साले ने खट्टू बजर खट्टू, आई बला को डाल तू. आगे से बट्टी पीछे से कट्टी, पंगा लिया तू मार दे कल्टी. मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, माल बचा के भाग तू. ऊपर से बोलते हैं व्हाट्सएप पर, नीचे से खींचते हैं चट्टी चट्टी. सलाई चट उतारने को ऑलवेज रेडी, हर एक फ्रेंड कमीना होता है. बोले तो हर एक फ्रेंड
किया है. When you can't change the girl, change the girl. कमीना होता है. How was performance, boys? Hello, hello. अरे यार फिर से एक बार फिर. थैंक. हाँ इस तरह कुछ आवाज दो. एक मिनट. विद्युत विद्युत विद्युत. जिस किसी को भी फूड कूपन नहीं मिला है वो आदित और तौकीर से कांटेक्ट करें प्लीज. जिस किसी को भी फूड कूपन नहीं मिला है. क्या नाम? अरे वहाँ टेबल लगा हुआ, वहाँ टेबल लगा हुआ है. जो भी लड़का फूड कूपन नहीं पाया है वहाँ पे आदि तौकीर और सौरभ वहाँ पे बेंच पे बैठे उनसे कॉन्टेक्ट कर लें. नए बिल्डिंग के पास. हाँ तो आनंद तू कुछ कहना चाहता था यार. नहीं तू कुछ बोलना. नहीं तू बोल यार. तू बोल तू बोल. नहीं नहीं बोल बोल बोल. नहीं नहीं बोल बोल. नहीं तू बोल रहा इतना. तू बोल ना. अच्छा ठीक है मैं आप लोग बताता हूँ. एक बार की बात है एक चोर था. ठीक है मनीष जी आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? हाँ तो एक चोर कुछ बोलना चाहते हैं तो आ सकते हैं. कोई बात नहीं. नहीं आने की जरूरत नहीं. आप यहाँ भी बोल सकते हैं. नहीं तो मैं चला आऊंगा आपके पास. एक चोर था. ठीक है तो एक घर में चोरी करने गया. तो लॉकर होता है घर में हमेशा लॉकर. तो लॉकर के ऊपर लिखा हुआ था कि आपको चोरी करने की जरूरत नहीं है. आप 425 दबाएंगे तो लॉकर अपने आप खुल जाएगा. तो चोर ने क्या किया कि 425 दबाया. एक बात तो, बता राहुल मेरी समझ में नहीं आया. बोल बोल. कोई भी अपने घर में कोई ये क्यों लिखेगा कि 425 लिखकर लॉकर खुल जाएगा. वही तो वहां पे वो था. देखो चोर में वही बताना चाहता हूँ कि चोर के अंदर भी इंसानियत है. ओ अच्छा ठीक है. ठीक है तो 425 लिखा हुआ था कि आप 425 दबाइए लॉकर खुल जाएगा. तो चोर ने क्या किया 425 डायल किया. अब 425 डायल किया तो अलार्म बजने लगा. अब अलार्म बजने लगा पुलिस आ गई. पुलिस आ गई तो चोर को पकड़ लिया. तो चोर जाते हुए क्या कहता है मकान मालिक से जो मकान का वो था. बोलता है यार तुमने मेरी इंसानियत मेरे अंदर के इंसान को मार दिया. आज से मेरे अंदर इंसानियत खत्म. आज से मेरे अंदर इंसानियत खत्म. मैं चोर होके भी इतना अंदर इतना इंसानियत दिखा रहा हूँ लेकिन तुम एक मकान मालिक होके इतना इंसानियत नहीं कर सकते. शाबाश यार. ठीक है इसके बाद क्या था? और एक बात बताना चाहता हूँ. एक बीटेक कॉलेज में एक रैगिंग का जो है बहुत पुराना सा प्रथा है. अब तो धीरे धीरे कुछ कम हो रहा है. क्या क्या हो गया? कब से कब से कब से हमारा कॉलेज रैगिंग फ्री है? अच्छा ठीक है बस. अच्छा ठीक है. तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट आते हैं कॉलेज में तो बहुत सारे कहाँ के स्टूडेंट हर जगह के स्टूडेंट आते हैं. तो सारे स्टूडेंट आते थे. एक लड़की आई थी कॉलेज में. मतलब देखने में शायद कुछ और मतलब एजेड लग रही थी. तो कॉलेज के सारे लड़के थे उसको फुआ फुआ बोल के बुलाते थे. कॉलेज के जितने लड़के थे उसको फुआ फुआ बोल के बुलाते थे. तो हाँ तो बेचारी परेशान थी. तो क्या की वो एक बार गई प्रिंसिपल सर के पास. तो प्रिंसिपल सर से कंप्लेन की. तो प्रिंसिपल बोले ठीक है चलते हैं हम. तो प्रिंसिपल सर गए क्लास में. तो पूछे एक बात बताओ तुम लोग इसको जो जो फुआ बोलता है सब खड़े हो जाओ. तो सारे लड़के खड़े हो गए. बस एक लड़का बैठा रहा. आनंद जानता है कौन? पता नहीं बता दो तू ही. मनीष भैया आप में से भैया थे. मनीष भैया वो बैठे रहे. तो प्रिंसिपल सर पूछते हैं कि मनीष तुम क्यों नहीं खड़े हुए? तो मनीष भैया क्या बोलते हैं? सर मुझे क्लास के फूफा बोलते हैं. अरे बाबा. मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी. मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी. बोल बोल कुछ बोल रहा है. मेरे दोस्त तुम भी लिखा करो शायरी. तुम्हारा भी नाम हो जाएगा. जब पड़ेंगे तुम पे अंडे और टमाटर तो शाम की सब्जी का इंतजाम हो जाएगा. वाह वाह यार मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ. तूने कहा शायरी लिखने का. एक दिन मैंने बहुत सोचा. ठीक है तो क्या सोचा? लिखने को सोचा. ठीक है तो बॉयज थे तो लोगों ने कहा तुम शराबी हो. मैंने कहा यार उन्होंने अपनी आंखों से पिलाया है. लोगों ने कहा तुम शराबी हो. मैंने कहा यार उन्होंने अपनी आंखों से पिलाया है. लोगों ने कहा तुम आशिक हो. मैंने कहा यार उन्होंने आशिकी सिखाई है. लोगों ने कहा तुम तो पागल हो गए हो. लोगों ने कहा तुम तो पागल हो गए हो. हमने कहा यार कम से कम मोहब्बत तो रंग लाई है. अरे भाई तो हो जाए जोरदार ताली. ठीक है
हेलो स्लॉट में तो एंकरिंग है, स्लॉट में तो एंकरिंग है नहीं, फिर भी एक बार मतलब दिल से मेरे को मतलब फर्स्ट ईयर्स का परफॉर्मेंस देखा तो 5 दिन में उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था इतना दे पाएंगे, तो एक बार फर्स्ट ईयर्स के लिए तालियां सर प्लीज़ बता दीजिए सर, पाँच दिन में इन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है सर, एक बार प्लीज़। देन डांसिंग देखा फर्स्ट ईयर्स का, सिंगिंग देखा, गिटार तो बनता है तो गिटार एक बार गिटार टैलेंट अब देखिए। So I would like to welcome the three most beautiful guitarists, Shomitra from third year and Karthik and Pranjal from first year. So here they come, the guitarist of Diet. Guitar पे अपनी उंगलियों का जादू चलाने आ रहे हैं first year से Karthik and Pranjal and also third year से Shomitra Dev Barman. हेलो हेलो, इलेक्ट्रिक मैन आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पीछे चले आए, इलेक्ट्रिक मैन आप जहाँ कहीं भी हो स्टेज के पीछे चले आए। शायद आपका एक स्टैंड फैन खराब हो गया है इसलिए आपको तुरंत स्टेज के पीछे आना चाहिए आप। हेलो हेलो हेलो
हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो আমার একলা আকাশ থমকে গেছে রাতের স্রোতে ভেসে শুধু তোমায় ভালোবেসে আমার ক্লান্ত মন ঘরে খুঁজেছে যখন আমি চাইতাম শুধু চাইতাম তোমার টেলিফোন ঘর ভরা দুপুর আমার একলা থাকার সুর রোদে গাইতো আমি ভাবতাম তুমি কোথায় কতদূর আমার বেসুরো গিটার সুর বেঁধেছে তোমার কাছে এসে শুধু তোমায় ভালোবেসে আমার দিনগুলো সব রং চিনেছে তোমার কাছে এসে শুধু তোমায় ভালোবেসে লালা 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 La 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 Hello, hello. আপন কাজ